हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्लाई लर्निंग। आज का टॉपिक है प्रोवर्ब। अगर आप इंग्लिश में किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाजवाब है। सो इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रोवर्ब का मीनिंग होता है वो सेंटेंस जो हिंदी में अलग मीनिंग होते हैं बट उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कुछ और होता है, यानी कि इन्हें हम बनाते नहीं हैं, इन्हें हमें लर्न करना होता है। बिकॉज इनको जब ट्रांसलेट किया जाता है तो इन्हें हिंदी के अकॉर्डिंग वर्डिंग वाइज नहीं किया जाता। सो इन्हें याद करना ज़रूरी है। अब हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा है मुर्दे बात नहीं करते। मान लीजिए अगर आपसे कोई एक दिन कहता है कि मैंने मुर्दों को बात करते हुए देखा, और अगर आप उसका मुंह बंद कराना चाहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डेड मैन टेल नो टेल्स, डेड मैन टेल नो टेल्स। बेचारे का मुंह बंद हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सेकेंड सेंटेंस है क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। आप सभी को पता है कि गुस्सा कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। सो अगर हम किसी को बोलना हो कि क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है, सो हम बोलेंगे एंगर इज़ ब्लाइंड, यानी कि क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। थर्ड सेंटेंस है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप मोमोज के दीवाने हैं मान लीजिए, और अगर आपके सामने कोई ये बोले कि मोमोज छी मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते गिले गिले से, तो आपको क्या गुस्सा आएगा। वाह, तो आप उसके मुंह पे बोलना कि आ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर, यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बेइज्जती सी हो गई। फोर्थ सेंटेंस है लालच बुरी बला है, यानी कि जो भी लालच करेगा उसे पाप तो मिलता ही है। तो हमें किसी को बोलना हो भाई लालच बुरी बला है, इंग्लिश में बोलना हो, कैसे बोलेंगे? बोल देंगे ईजी है नो वाइज लाइक अ वाइज। ओके, फिफ्थ सेंटेंस दिया हुआ है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि अगर आपके सामने छोटा सा बच्चा कोई ऐसी बात कर दे जो बड़े भी ना कर पाएँ तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे स्मॉल बीट्स ग्रेट बीट्स। छोटा मुंह और बड़ी बात। सिक्स्थ सेंटेंस दिया हुआ है अकल बड़ी या भैंस। कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहती हूँ कि अकल बड़ी होती है कि भैंस, मुझे भी पता नहीं। मान लीजिए अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो आप बोल कि अकल बड़े हैं भैंस, तो आप क्वेश्चन में उससे पूछ लीजिएगा इंग्लिश में कि नॉलेज इज़ मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अकल बड़ी होती है या फिर भैंस, मैं जानना चाहती हूँ। जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। सेवेंथ क्वेश्चन में सेंटेंस में लिखा हुआ है अंत भला तो सब भला। मूवी में देखते होंगे अगर लास्ट सीन अच्छा हो गया तो हम बोल देते हैं भाई अंत भला तो अब सब भला। मूवीज़ में ऐसा मोस्टली होता है, रियल लाइफ में भी हो जाता होगा। सो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? All is well that ends well. It में लिखा हुआ है अपनी इज्जत अपने हाथ। अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, अगर हम दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते तो हम भी इज्जत के हकदार नहीं हैं। सो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। नाइन्थ सेंटेंस में लिखा है जैसे को तैसा। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी भगवान खुद बुरा करता है। सो हम इसे बोलेंगे टिट फॉर टेट, यानी कि जैसे को तैसा। लास्ट सेंटेंस है मित्र वही जो समय पे काम आए, यानी कि मित्र वही होता है जो हमें जब हमें प्रॉब्लम हो तब वो हमें काम आए, यानी कि वो नहीं जो हमें प्रॉब्लम में छोड़ दे। सो इसकी सेंटेंस है अ फ्रेंड